एवरीवन, आज हम यूनिट 6 के एक्सरसाइज देखेंगे। लास्ट हमने यूनिट नंबर 6 एंड नेशनल फ्लैग स्टार्ट किया था। ओके, मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया था यूट्यूब पे। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओके, एंड नेशनल फ्लैग। सो आज हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। सो इस चैप्टर में क्या है, तो इस चैप्टर में हमारे नेशनल फ्लैग का इम्पोर्टेंस है। ओके, एंड ईच कलर देवर इन आर नेशनल फ्लैग विच इज सैफ्रन, वाइट एंड ग्रीन। तो वो किसके लिए क्या स्टैंड करता है उसके बारे में बताया गया है, एज वेल एज अशोक चक्र ऑल्सो, अशोक चक्र के बारे में भी बताया गया है। ओके, हम कब कब नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं वो बताया गया है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके, ये चैप्टर। सो हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे आज, और इसके फोटोग्राफ्स मैं आपको बुक में सेंड कर दूंगी। ओके, सो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन, इंडिया वॉज रूल्ड बाय द पीपल ऑफ। सो आंसर आएगा ब्रिटेन। ओके, ब्रिटेन के लोग थे वो पहले इंडिया पे रूल कर रहे थे, राज कर रहे थे। नंबर टू, द नेशनल फ्लैग ऑफ आर कंट्री इज कॉल्ड द ट्राई कलर और द ब्लैंक। ट्राई कलर भी कहते हैं और त्रिरंगा भी कहते हैं। ओके, सो ऑप्शन सॉरी आंसर आएगा त्रिरंगा। नंबर थ्री, आर नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो किसका सिंबल है, तो यूनिटी यानी कि एकता, ऑनर यानी कि सम्मान, एंड फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, आज़ादी। ओके, सो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा ऑनर एंड सेकेंड ब्लैंक में आएगा फ्रीडम। नंबर फोर, द ग्रीन एट द लोअर पार्ट स्टैंड फॉर। जो ग्रीन कलर है हमारे नेशनल फ्लैग में वो किसके लिए स्टैंड करता है, तो इट स्टैंड फॉर एनर्जी। तो आंसर आएगा एनर्जी। नंबर फाइव, द ब्लू व्हील इन द मिडल इज द चक्र ऑफ ब्लैंक। तो आंसर क्या आएगा, किंग अशोका। ओके, किंग अशोका का चक्र है जो ब्लू व्हील है वो। नंबर क्वेश्चन नंबर बी, मैच द फॉलोइंग टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, सो यहाँ पे कॉलम ए है और कॉलम बी है, हमें राइट सेंटेंस बनाने हैं मीनिंगफुल। नंबर वन, द इंडियंस वर वेरी, तो क्या आएगा आंसर कॉलम बी में से, सेक्रीफाइस, नेशनल फ्लैग, रेड फोर्ट, ब्रेव या थ्री कलर्स। तो आंसर आएगा ब्रेव, राइट। सो द इंडियंस वर वेरी ब्रेव, ब्रेव यानी कि बहादुर, फियरलेस, करेजियस। नंबर टू, नेशनल फ्लैग हैज़, तो आंसर आएगा नेशनल फ्लैग हैज़ थ्री कलर्स, तीन कलर्स होते हैं ना। नंबर थ्री, द सैफ्रन एट द टॉप स्टैंड फॉर, जो केसरी रंग होता है नेशनल फ्लैग में वो स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस। ओके, आंसर आएगा सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान। नंबर फोर, वी आर प्राउड ऑफ द, तो हमको किस पे प्राउड है, तो हमें प्राउड है हमारे नेशनल फ्लैग पे। ओके, सो आंसर आएगा नेशनल फ्लैग। नंबर फाइव, द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द, तो आंसर आएगा रेड फोर्ट। ओके, लाल किले पे वो लहराते हैं हमारे नेशनल फ्लैग को, प्राइम मिनिस्टर हमारे। क्वेश्चन नंबर सी, राइट ट्रू टी और फॉल्स एफ। नंबर वन, इंडिया वॉज रूल्ड बाय द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये राइट है या रॉन्ग, रॉन्ग। ओके, फॉल्स है। तो इंडिया वॉज रूल्ड बाय द पीपल ऑफ ब्रिटेन, नॉट ऑस्ट्रेलिया, राइट। नंबर टू, द सैफ्रन एट द टॉप स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस। तो ये राइट है या रॉन्ग है, तो ये ट्रू सेंटेंस है, तो बॉक्स में लिखना है टी। नंबर थ्री, द वाइट इन द मिडल स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड प्योरिटी। तो ये भी ट्रूथ है, तो बॉक्स में लिखना है टी। नंबर फोर, द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड ऑन नेशनल डे सच एज टीचर्स डे एंड चिल्ड्रन डे। तो ये सेंटेंस फॉल्स है, तो बॉक्स में लिखना है एफ। नंबर फाइव, ऑन 15th August एवरी ईयर वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे। तो हम 15 August को क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे, राइट, नॉट रिपब्लिक डे। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 January, लास्ट हमने सेलिब्रेट किया था ना जनवरी में 26 को। तो ये सेंटेंस फॉल्स आएगा, 15 August एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, नॉट रिपब्लिक डे, राइट। सो यहाँ बॉक्स में एफ लिखना है। ओके,
Now, question number D, short answer question. Number one, how did India attain independence? Okay, so first of all, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे रेड बॉल पेन से सब कुछ लिखा है, तो आपको बॉल पेन से नहीं लिखना है कोई भी कलर की, आपको पेंसिल से ही लिखना है. ओके, अभी आपको बॉल पेन यूज़ नहीं करनी है. सो ये आपको आंसर सभी पेंसिल में पेंसिल से ही लिखने हैं. जो आपकी नोटबुक में लिखो वो भी पेंसिल से लिखना है, ये अपनी बुक में लिखो वो भी पेंसिल से लिखना है. ओके, मैंने यहाँ पे बॉल पेन से लिखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने पेन से लिखा है तो आपको भी पेन से लिखना है. राइट, आपको पेंसिल से लिखना है. सो फर्स्ट का आंसर देखते हैं, हाउ डिड इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस. ओके, तो आंसर क्या आएगा, द इंडियंस वर वेरी ब्रेव. जो इंडियंस थे वो बहुत ही बहादुर थे. दे फॉट द पीपल ऑफ ब्रिटेन एंड अटेन इंडिपेंडेंस. उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के जो लोग थे उनके सामने वो लड़े और आज़ादी हासिल की. नंबर टू, वाई इज़ आर नेशनल फ्लैग इम्पोर्टेंट फॉर अस. हमारा नेशनल फ्लैग है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है? तो आंसर विल बी, आर नेशनल फ्लैग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट इज़ अ सिम्बल ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल ऑफ अस. क्योंकि वो प्रतीक है फ्रीडम का, हमारी आज़ादी का, हमारे सबके लिए, इसलिए वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. नंबर थ्री, व्हाट डज आर नेशनल फ्लैग सिम्बोलाइज. हमारा नेशनल फ्लैग का सिंबल क्या है, तो वो है यूनिटी, ऑनर एंड फ्रीडम. एकता, सम्मान और आज़ादी, ये हमारा नेशनल फ्लैग का सिंबल है. नंबर फोर, व्हाट डज सैफरन कलर इन आर नेशनल फ्लैग स्टैंड फॉर. जो हमारे फ्लैग में जो सैफरन कलर है, केसर या कलर है, वो क्या दर्शाता है? तो द सैफरन कलर इन आर नेशनल फ्लैग स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस, बलिदान दर्शाता है. ओके, जो आज़ादी हासिल करने के लिए हमारे देश के जिन लोगों ने बलिदान दिया है, अपने आप का, अपने रिलेटिव्स का. ओके, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है. ओके, तो वो दर्शाता है. नंबर फाइव, व्हाट डज व्हाइट कलर इन आर नेशनल फ्लैग स्टैंड फॉर. तो व्हाइट कलर है वो क्या दर्शाता है हमारे नेशनल फ्लैग में? तो आंसर आएगा, द व्हाइट कलर इन आर नेशनल फ्लैग स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड प्योरिटी. सच्चाई और शुद्धता दर्शाता है. ओके, ट्रूथ एंड प्योरिटी. नंबर सिक्स, व्हाट डज ग्रीन कलर इन आर नेशनल फ्लैग स्टैंड फॉर. तो आंसर आएगा, द ग्रीन कलर इन आर नेशनल फ्लैग स्टैंड फॉर एनर्जी. एनर्जी यानी कि शक्ति, शक्ति दर्शाता है. तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे नेशनल फ्लैग में जो कलर है वो क्या क्या दर्शाते हैं. सैफ्रन, व्हाइट और ग्रीन कलर क्या दर्शाता है, और अशोक चक्र भी आपको पता होना चाहिए कि वो क्या दर्शाता है. ओके, सो आपको ये याद होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर ई, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. टेल इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल फ्लैग एंड व्हेन एंड वेयर इट इज होस्टेड. ओके, तो आंसर क्या आएगा, आर नेशनल फ्लैग इज होस्टेड ऑन नेशनल डेज. ओके, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वो नेशनल डेज, जो राष्ट्रीय त्यौहार है तब हम फहराते हैं, सच एज इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. कौन से दिन पे? स्वतंत्रता दिन, प्रजासत्ताक दिन और गांधी जयंती के दिन हम नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं. आर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट रेडफोर्ड ऑन इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर. हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, ओके, वो हर साल रेडफोर्ड पे, लाल किले पे, इंडिपेंडेंस डे के दिन, स्वतंत्रता दिन के दौरान हमारा फ्लैग है वो फहराते हैं. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर एफ, वोकेबुलरी. रीअरेंज द गिवन जंबल वर्ड्स एंड राइट इन द ब्लैंक्स प्रोवाइड. ओके, सो यहाँ पे वर्ड्स को आपको रीअरेंज करने हैं. ओके, उलट सुलट वर्ड्स है तो आपको रीअरेंज करने हैं और एक प्रॉपर वर्ड को बनाना है. सो फर्स्ट वन इज एन डी आई ए आई. ओके, तो वर्ड क्या बनेगा, इंडिया, आई एन डी आई ए, इंडिया वर्ड बनेगा. नंबर टू, आर एफ डबल ई, तो वर्ड क्या बनेगा प्रॉपर, एफ आर डबल ई, फ्री. नंबर थ्री, बी आर वी ई ए, तो प्रॉपर वर्ड बनेगा बी आर ए वी ई, ब्रेव. राइट,
नंबर फोर GLAF तो प्रॉपर वर्ड बनेगा FLAG फ्लैग। नंबर फाइव RGEN तो प्रॉपर वर्ड यहाँ बनेगा GREEN ग्रीन। नंबर सिक्स LUEB ओके तो प्रॉपर वर्ड यहाँ बनेगा BLUE ब्लू। नंबर सेवन AUSUGT तो यहाँ प्रॉपर वर्ड बनेगा AUGUST ऑगस्ट। नंबर एट PECEA तो यहाँ प्रॉपर वर्ड बनेगा PEACE पीस यानी कि शांति। नंबर नाइन PODRU तो यहाँ प्रॉपर वर्ड बनेगा PROUD प्राउड ओके प्राउड यानी कि गर्व। नंबर टेन HIWTE तो यहाँ प्रॉपर वर्ड बनेगा WHITE वाइट यानी कि सफ़ेद। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जी ग्रामर पोर्शन है। सेंटेंसेज आर मेड बाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस ओके सेंटेंस वो है जो वर्ड्स को ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्ड्स के ग्रुप को बनाते हैं और एक कंप्लीट सेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर ओके हम कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो हम कैपिटल से ही कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। व्हेन वी कंप्लीट अ सेंटेंस वी ऑलवेज यूज अ फुल स्टॉप जब हम सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे तो हम सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप लगाएंगे। एंड व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन वी आर आस्क अ क्वेश्चन मार्क वी यूज अ क्वेश्चन मार्क जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछे तो हम पीछे सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जैसे यहाँ पे लगाया है। सो क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूज फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क ओके सो फर्स्ट सेंटेंस है मदर मी माई गिव ब्रेकफास्ट तो यहाँ सेंटेंस बनेगा मदर गिव्स मी माई ब्रेकफास्ट मदर मुझे मेरा नाश्ता देती है माँ मुझे मेरा नाश्ता देती है ओके सो यहाँ पे ब्रेकफास्ट यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हुआ मदर से तो एम कैपिटल लिखा मैंने राइट और जो फुल स्टॉप है वो सेंटेंस पूरा होने के बाद मैंने लगाया जैसे आप देख सकते हैं ओके ब्रेकफास्ट के बाद। नंबर टू मी नो डू यू तो यहाँ सेंटेंस बनेगा डू यू नो मी क्या आप मुझे जानते हो ओके तो ये क्वेश्चन पूछा तो लास्ट सेंटेंस पूरा होने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और डू से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो डी कैपिटल रखेंगे। नंबर थ्री पोलिसमैन माई अ फादर इज तो सेंटेंस विल बी माई फादर इज अ पोलिसमैन तो माई से स्टार्ट होता है तो एम कैपिटल होगा ओके और पोलिसमैन है उसके पीछे हम फुल स्टॉप करेंगे। नंबर फोर यस्टरडे मेट मी राजू तो सेंटेंस बनेगा राजू मेट मी यस्टरडे और पीछे फुल स्टॉप लगाना है। नंबर फाइव यू हु आर ओके तो सेंटेंस बनेगा हु आर यू आप कौन हो तो हु में डब्ल्यू कैपिटल होगा क्योंकि डब्ल्यू से स्टार्ट होता है सेंटेंस ओके और क्वेश्चन पूछते हैं तो यू के पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जैसे मैंने लगाया है राइट। क्वेश्चन नंबर सी पेशेंट्स ट्रीट द डॉक्टर्स तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स ओके तो डॉक्टर में डी कैपिटल होगा और पेशेंट्स सेंटेंस कंप्लीट होगा तो पीछे फुल स्टॉप होगा। नंबर सेवन इज पोस्टमैन अ हरी तो सेंटेंस होगा हरी इज अ पोस्टमैन ओके तो हरी में एच कैपिटल होगा और पोस्टमैन सेंटेंस कंप्लीट होगा तो फुल स्टॉप होगा। नंबर एट शॉपकीपर शंकर अ इज तो सेंटेंस होगा शंकर इज अ शॉपकीपर शंकर है वो शॉपकीपर है तो शंकर में एस कैपिटल होगा और जो सेंटेंस फिनिश होगा तो उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे। नंबर नाइन मिल्क अस काउ द गिव्स तो सेंटेंस बनेगा द काउ गिव्स अस मिल्क गाय हमें दूध देती है तो द है वो कैपिटल होगा द से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो टी कैपिटल होगा और हम सेंटेंस फिनिश करने के बाद फुल स्टॉप करेंगे। नंबर टेन वेरी बॉक्स इज द हैवी तो यहाँ पे द बॉक्स इज वेरी हैवी आएगा द में टी कैपिटल होगा और आफ्टर फिनिशिंग द सेंटेंस वी यूज फुल स्टॉप राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर एच राइटिंग स्किल्स
Look at the given pictures and write 5 sentences about it using the words given in the box. तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है जो पीछे नेशनल फ्लैग है हमारा. ओके, कुछ बच्चे हैं और बॉक्स दिया है, उसमें वर्ड है 15 अगस्त, नेशनल फ्लैग, होस्ट, प्रिंसिपल एंड नेशनल एंथम. ओके, तो हमें इन वर्ड्स का यूज़ करना है और 5 सेंटेंस बनाने हैं. नंबर 1 मैंने बनाए हैं, द स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त. ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड 15 अगस्त आ गया. ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस बना, द स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त. नंबर 2, द प्रिंसिपल होस्टेड द नेशनल फ्लैग. तो यहाँ पे हमारे तीन वर्ड आ गए, नेशनल फ्लैग भी आ गया, होस्ट भी आ गया और प्रिंसिपल भी आ गया. नाउ नंबर 3, द कंट्री हैज़ अ ट्राई कलर नेशनल फ्लैग. ओके, तो यहाँ फिर से हमारा नेशनल फ्लैग आ गया वर्ड. ओके, नंबर 4, आर नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ प्राइड. यहाँ फिर से हमारा नेशनल फ्लैग आया, नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ प्राइड. ओके, और नंबर 5, द स्टूडेंट आर सिंगिंग नेशनल एंथम. तो जो हमारा लास्ट वर्ड है नेशनल एंथम, वो भी आ गया. तो यू कैन रिपीट वर्ड्स, जैसे मैंने वर्ड्स को रिपीट किया है, आप भी वर्ड्स को रिपीट कर सकते हैं. लेकिन आपको याद रखना है कि सारे वर्ड्स आने चाहिए और 5 सेंटेंस बनने चाहिए. ओके, तो मैंने अपने हिसाब से ये बनाया है, आप अपने हिसाब से भी कोई अलग सेंटेंस बना सकते हैं और अपनी बुक में लिख सकते हैं. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर आई, लिसनिंग स्किल. तो यहाँ पे लिसनिंग टू द टेक्स्ट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, बट यहाँ पे कोई टेक्स्ट मेंशन नहीं किया है एज ऑलवेज. तो लिसनिंग स्किल क्वेश्चन नंबर आई हम स्किप करेंगे. राइट, तो क्वेश्चन नंबर जे देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन, 2 vowels 1 sound. ओके, तो यहाँ पे वर्ड्स विथ ओ ए, तो यहाँ पे ओ एंड ए दोनों वॉवेल्स है, लेकिन हम बोलेंगे तो साउंड एक ही आएगा. ओके, लाइक बी ओ ए टी, बोट. ओके, एक ही साउंड आया, बोट. आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है, जैसे मैं बोलती हूँ आपको बोलना है बोट, से इट, बोट. नेक्स्ट जी ओ ए टी, गॉड. बोलना है मेरे पीछे पीछे, गॉड. ओके, फिल इन द बॉक्सेस एंड मेक ओ ए वर्ड्स, राइट द वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइड एंड रीड देम अलाउड. ओके, तो यहाँ पे बॉक्स है छोटे छोटे, तो उसमें आपको ओ ए लिखना है, और जो बड़ा बॉक्स है उसमें ये पूरा स्पेलिंग लिखना है. तो फर्स्ट बॉक्स है सी, फिर बॉक्स खाली है उसमें ओ ए लिखना है और टी है, और पूरा वर्ड क्या बना, सी ओ ए टी, कॉट. ओके, कोट. ओके, बोलना है मेरे पीछे, कोट. दूसरा है आर है फर्स्ट बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में ओ ए लिखना है, और तीसरे बॉक्स में है डी, और जो बड़ा वाला बॉक्स है उसमें जो स्पेलिंग बना आर ओ ए डी, वो लिखना है और बोलना है जोर से, रोड. बोलिए मेरे पीछे, रोड. राइट, नेक्स्ट जी है फर्स्ट बॉक्स में, सेकेंड बॉक्स में ओ ए लिखना है, और थर्ड बॉक्स में एल है, और जो बड़े बॉक्स है उसमें लिखना है पूरा स्पेलिंग जी ओ ए एल, गोल. ओके, बोलना है गोल. नेक्स्ट एल है फर्स्ट बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में ओ ए लिखना है, और थर्ड बॉक्स में एफ लिखना है. ओके, और जो स्पेलिंग बने गया वो है लॉफ. ओके, बोलना है लॉफ. नाउ क्वेश्चन नंबर के, वैल्यू ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ की वैल्यू. वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशन, हमें हमारे देश को सम्मान करना चाहिए, हमारे देश का सम्मान करना चाहिए. दिस कल्चर एंड ऑल द लैंग्वेजेस, ओके, उसके कल्चर का, ओके, और उसकी सभी लैंग्वेजेस, भाषा है उसका, हमें सम्मान करना चाहिए. वी शुड नेवर डिसरिस्पेक्ट आवर नेशन और एनी नेशनल सिंबल, हमें कभी भी हमारे नेशन को, हमारे देश को, और उसके नेशनल जो सिंबल होते हैं, उसके देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, उसका डिसरिस्पेक्ट यानी कि अपमान नहीं करना है. ओके, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, हमें हमारे देश पे गर्व होना चाहिए. नाउ कलर द बॉक्स ग्रीन फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड रेड फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. तो बच्चे, मेरे पास कलर्स नहीं है, तो मैंने एफ टी लिखा है,
लेकिन आपको ग्रीन और रेड से कलर करना है. नंबर वन, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर. तो ये गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है. तो मैंने एफ लिखा है, लेकिन आपको रेड कलर से इस बॉक्स को फिल करना है. तो इस बॉक्स को रेड कलर से फिल करना है, राइट. नंबर टू, टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ आर कंट्री. ओके, जो बाघ है वो हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है. तो ये सही है, ये राइट स्टेटमेंट है. तो मैंने टी लिखा है, लेकिन आपको ग्रीन कलर से इस बॉक्स को फिल करना है. नंबर थ्री, वी शुड बी प्राउड ऑफ आर कंट्री. हमें हमारे देश पे गर्व होना चाहिए. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो आपको ग्रीन कलर फिल करना है. नंबर फोर, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द फादर ऑफ द नेशन. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. महात्मा गांधी जी है वो हमारे देश के फादर है, राष्ट्रीय पिता. महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन. मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन. ओके, सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आपको यहाँ रेड कलर से फिल करना है. नंबर फाइव, द नेशनल फ्लैग शुड ऑलवेज बी हेल्ड हाई. ओके, तो ये सही सेंटेंस है. हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वो हमेशा ऊंचा रहना चाहिए. तो ये सही है, ट्रू स्टेटमेंट. तो ये ग्रीन कलर से आपको फिल करना है, राइट. नाउ कलर द नेशनल फ्लैग, यूज पेंसिल कलर. ओके, तो ये नेशनल फ्लैग है, तो आपको कलर करना है प्रॉपरली. आप जो चाहे वो कलर यूज़ नहीं कर सकते, प्रॉपर कलर करने हैं और पेंसिल कलर ही यूज़ करना है. नो स्केच पेन, नो वाटर कलर, नो वैक्स कलर, ओनली पेंसिल कलर, राइट. सो फर्स्ट है, उसमें आपको सेफ्रन कलर, ऑरेंज कलर करना है. सेकेंड में वाइट करना है. जो चक्र है वो ब्लू कलर का करना है. और जो थर्ड पट्टा है उसमें आपको ग्रीन कलर करना है. ओके, और जो ये स्टैंड है उस पर आप ब्राउन कलर कर सकते हो. ओके, सो आपको ये कलर करने हैं, कंपलसरी करने हैं सभी को. और जिनके पास बुक ना हो वो ड्रॉ करे अपने आप नोटबुक में ये फ्लैग. ओके, इजी है ड्रॉ करना. तो ड्रॉ करना है और फिर आपको उसमें कलर करने हैं. ओके, सो यहाँ पे हमारा ये यूनिट नंबर 6 नेशनल फ्लैग एक्सरसाइज के साथ फिनिश होता है. आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इस यूनिट में सब समझ में आ गया होगा. ओके, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको याद करने हैं. विच कलर स्टैंड्स फॉर व्हाट, वो भी आपको पता होना चाहिए. हमारे नेशनल फ्लैग का सिंबल, इम्पोर्टेंस, एवरीथिंग अबाउट दिस यूनिट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू नो अबाउट एवरीथिंग. ओके, सो हमारे नेशनल फ्लैग का ये यूनिट है, अवर नेशनल फ्लैग, ये फिनिश होता है. ओके, इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 7 लिटल मिस मफेट. ओके, ये लास्ट यूनिट होगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगी. टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.